हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त राहुल स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल टैको भारत। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि लास्ट मैंने वीडियोस अपलोड की हैं अपने इस चैनल पे, कि 10 से 15 साल के व्हीकल का कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, क्या होता है या नहीं भी होता है, तो उसके क्या क्या प्रावधान हैं, तो वो सारी चीज़ें मैंने लास्ट वीडियोस में बताई हैं। आप आई बटन में क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं इसलिए कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ आपको कि एक न्यूज़ भी है और एक कन्फ्यूज़न भी है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं कन्फ्यूज़न दूर करता हूँ कि बहुत से दोस्तों का कन्फ्यूज़न रहता है, वो कन्फ्यूज़न क्या है। कन्फ्यूज़न यह है कि काफ़ी लोगों के दिमाग में यह है कि 10 से 15 साल पुराना व्हीकल, मीन्स 15 साल पेट्रोल का और 10 साल पुराना डीजल का, क्या दिल्ली एनसीआर में पुराना रजिस्ट्रेशन होगा। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि दिल्ली एनसीआर में ये नियम है कि 10 साल से पुराना और डीजल और 15 साल से पुराना पेट्रोल वाहन का कोई री रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। इवन अगर उसका रजिस्ट्रेशन बाहर कहीं भी होता है, मतलब अदर स्टेट में, हरियाणा में, यूपी में, उत्तराखंड में, किसी भी स्टेट में, भारत के किसी भी कोने में रजिस्ट्रेशन होता है, तो वो तब भी 15 साल पुराना होने के बाद और 10 साल डीजल पुराना होने के बाद भी दिल्ली एनसीआर में इलीगल पाया जाएगा। अगर वो पकड़ा जाता है तो उसके लिए कोई भी रियायत नहीं है, बेशक से उसका रजिस्ट्रेशन किसी दूसरे स्टेट में हो रखा हो, लेकिन दिल्ली एनसीआर में वो नहीं चल सकता, 15 साल से पुराना पेट्रोल और 10 साल से पुराना डीजल। आप सवाल आता है कि जिनकी गाड़ियां 10 से 15 साल पुरानी हो गई हैं, क्या उनका रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा। तो दोस्तों, खबर ये है मेरे पास कि अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने एक सिस्टम चलाया है, जिस सिस्टम को कहते हैं ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर, जिसमें आपको अपने व्हीकल को, जो आपका 10 और 15 साल पुराना व्हीकल है, उसको वहाँ पे ले जाना है, और उनके पास एक ट्रैक है, उसकी पूरी वीडियोग्राफी भी वहाँ बनाई जाएगी, पूरा का पूरा उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर उस ट्रैक पे आपका वाहन सही चलता है, सही कंडीशन में है, देन आपको वो रजिस्ट्रेशन दे देंगे। ये एक ट्रायल बेस पे है हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से। आपको DTO ऑफिस जाना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिस, तो आपको वहाँ का ऑफिसर होगा, जो ट्रांसपोर्ट ऑफिसर है उसकी निगरानी में आपको अपना वाहन दिखाना होगा, वो उसको अपने मापदंड जो उन्होंने बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग आपके वाहन को देखेंगे। जो ट्रांसपोर्ट ऑफिसर आपके वाहन को पूरी तरीके से अपने मापदंड पे खरा उतरेगा, देन आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो दोस्तों, इसके अलावा आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखना, ये वाहन वो ही रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं दिल्ली एनसीआर के बाहर के, मीन्स कि आपका वाहन 15 साल से पुराना है पेट्रोल और 10 साल पुराना डीजल है, देन आप इस नियम के अंतर्गत आप अपना री रजिस्ट्रेशन करा सकते हो ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर में जाके। तो उन वीडियोस पे जो कमेंट पूछे गए हैं कि दिल्ली एनसीआर में क्या डीजल और पेट्रोल री रजिस्ट्रेशन हो सकता है, तो दोस्तों इस वीडियो में मैं मैसेज देना चाहता हूँ, अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है। अगर ऐसी कोई जानकारी आएगी तो आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर उसकी जानकारी दे दूंगा, क्योंकि ऐसा कोई नियम अभी गवर्नमेंट नहीं लेके आई है दिल्ली एनसीआर में कि 10 से और 15 साल से पुराने व्हीकलों का दोबारा से नवीनीकरण किया जाए। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये अभी हरियाणा गवर्नमेंट ट्रायल बेस पे चला रही है। इसमें हरियाणा के जो एनसीआर एरियाज हैं उसको छोड़ के जो अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके में रजिस्टर्ड व्हीकल वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराए जा सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो में दिया हुआ जानकारी समझ में आई हो। अगर नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और इसके रिगार्डिंग सोल्यूशन होगा तो मैं देने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।